ਸੀਗਾ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ जहाँ लोग घर की टूटी फूटी चीज़ों को फेंक देते हैं या फिर कबाड़ में बेच देते हैं, वहीं डबवाली शहर के मेन बस स्टैंड के पास रहने वाली एक महिला ने घर की वेस्टेज चीज़ों को बेस्ट बनाने का कार्य किया। महिला ने घर की वेस्टेज चीज़ों से घर की छत व सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा बना डाला। हम बात कर रहे हैं सीमा सग्गू पत्नी अंग्रेज सिंह सग्गू निवासी मंडी डबवाली की। पिछले लगभग 10 सालों में अपने घर की वेस्टेज चीजों का सदुपयोग कर एक सुंदर बगीचे का निर्माण सीमा सग्गू ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 10 साल से घर की कोई भी टूटी फूटी चीज को कबाड़ में नहीं फेंका। घर में अगर कोई कप बर्तन प्लास्टिक बाल्टी मटका बोतल आदि टूट जाते हैं तो वह उनका सदुपयोग कर पौधे व फूल लगा देती हैं। उन्होंने बताया कि घर में बनने वाली सब्जियों के छिलके भी बाहर नहीं फेंकते। उन्होंने वह पौधों के गमलों में मिट्टी में मिलाकर खाद बनाने का उपयोग किया है और उनकी सजावट के लिए रंग रोगन का कार्य भी वह अपने हाथों से करती हैं। सीमा ने बताया कि उन्होंने घर व घर की छत सहित सीढ़ियों में अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें लगभग 500 के लगभग पौधे लगे हैं। उन्होंने बताया कि वह खुद ही पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल भी वह खुद करती हैं। उन्होंने बताया कि हर रोज़ वह कम से कम 2 घंटे बगीचे में लगाती हैं। इस दौरान वह घर की वेस्टेज चीज़ों का सदुपयोग कहाँ और कैसे करना है का प्लान तैयार कर उसमें पौधा लगाने का काम करती हैं। डोंगे ना सुटो ओ मिट्टी पा के तुसी, मतलब अपने फ्लावर वगैरह लगा लो। तुसी एक पौधा लगाओगे तो एक पौधे तो अच्छा लगेगा, फिर दोबारा तुसी फिर होर ज़्यादा लगाओगे उसके बैठना अच्छा लगता है। जिमें टुटिया इट्टा भी मैं मतलब काम लै लैनी हूँ उन्होंने, मतलब टुकड़े कर करके उन्होंने रंग कर दिनी हाँ। जिमें सड़क के पत्थर पे होंगे मैं पत्थर चुक के उन्होंने भी डेकोरेशन कर दिनी हाँ। बस जिमें फ्लैक्स बोर्ड दाइपा टुटिया गल जा उन्होंने गलिया मैं रंग करके तो झोपड़ी टाइप तैयार कर दिनी हाँ। जिमें इस तरह की मतलब जिमें घा फूस होयानू भी नहीं मैं सुटती हैगी। कूड़े ने मतलब मैं ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब अपनी बगिया से यूज़ कर लेनी हूँ। घर की वेस्टेज चीज़ों से तैयार किए गए बगीचे की सुंदरता देखते ही बनती है। घर में बने बगीचे में घर की सभी वेस्टेज चीज़ें ही इस्तेमाल की गई हैं। गर्मी व धूप से पौधों को बचाने के लिए उन्होंने बाजार से लकड़ी के बांस मंगवाकर खुद ही सारा काम कर पौधों को छाया देने का प्रबंध किया। उन्होंने बताया कि वह घर में टूटी हुई ग्रिल को रेगमार्क से साफ कर रंग रोगन कर बगीचे में सजावट करने का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बताया कि अगर घर में गलती से कोई चीज़ टूट जाती है तो वह रंग रोगन कर बगीचे में सजावट के कार्य में उपयोग में ले लेती हैं। जहां तक कि घर में जो झाड़ू भी खराब होते हैं उसे भी वह बाहर नहीं फेंकते। टूटे हुए मटकों में पौधे लगाकर सुंदर सुंदर डिजाइनिंग में कलाकारी का कार्य वह खुद ही करती हैं। उन्होंने बताया कि वातावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। जबकि कोविड-19 के चलते लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमारे चारों ओर लगे पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जहां शुद्ध हवा मिलती है वहीं पेड़ पौधों से भी बहुत सी दवाइयां तैयार हो सकती हैं। डबवाली से राजमीत इंसा की रिपोर्ट।